प्रदेश भर से आए फोर लाइन व अन्य परियोजनाओं के प्रभावितों ने मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। पहले इस प्रदर्शन को रोष रैली व सामूहिक भूख हड़ताल के रूप में किया जाना था, मगर 13 अक्टूबर को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आदेश व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुए उच्च स्तरीय वार्ता में सरकार द्वारा दिखाई गई गंभीरता के बाद इस रैली को मांग रैली में बदल दिया गया। संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अगुवाई में प्रदेश भर से आए प्रभावित पडल मैदान में इकट्ठे हुए, जहां से हाथों में मांग लिखित तख्तियां लेकर पूरे शहर में रैली निकाली गई। इसमें मुख्य तौर पर भूमि अधिग्रहण कानून की पालना करने, पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से TCP को हटाने तथा 5 मीटर की कंट्रोल विड्थ में राहत, बाजार भाव के अनुसार 4 गुना मुआवजा, पुनर्वासन व पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने के लिए आदि के बारे में नारे लगाए गए। मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए ये रैली उपायुक्त कार्यालय से बाहर पहुंची, जहां पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से एक 13 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया। सही मंच के सामने चाननी में प्रदेश भर से आए प्रभावितों, जिनमें महिलाओं व युवाओं की तादाद में काफी संख्या थी, को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 सालों से संघर्ष समिति दलगत राजनीति को दूर रखते हुए अपनी मांगों को उठा रही है, मगर ना तो कांग्रेस सरकार ने ही उनकी बात को सुना और ना पिछले 8 महीनों से प्रदेश की भाजपा सरकार ही उनकी सुन रही है। जबकि प्रदेश के प्रभावितों में हाहाकार मच गई है तो सरकार गंभीर हुई, जिसके चलते 13 अक्टूबर को शिमला सचिवालय में उच्च स्तरीय वार्ता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशों पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्री ने भी माना कि बहुत सी बातों के बारे में सरकार को ज्ञान नहीं था और सरकार से भूल भी हुई है, जिसे अब सुधारा जाएगा। इसमें हर स्तर पर बैठकें करने तथा बड़े मुद्दों पर ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री गठित करके उन्हें सुलझाने की बात सरकार ने कही है। स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फोन पर फोरलाइन प्रभावितों की मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए हल खोजने का भरोसा दिलाया है। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि सरकार की इस बड़ी पहल का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि अब कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों, बागवानों, भवन मालिकों एवं दुकानदारों जो उजड़ चुके हैं के पास आंदोलन करने या कोर्ट में जाने का समय नहीं है। यदि सरकार उनके दर्द को समझती है और उनकी समस्याओं व मांगों का निदान करती है तो किसी को कोई आंदोलन करने का शौक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रभावित कानून से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, जो कानून में है उसके तहत ही मांग की जा रही है। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि सरकार यदि गंभीरता के साथ मांगों को हल करती है तो आंदोलन नहीं होगा, अन्यथा प्रदेश भर में प्रभावित अब लामबंद हो गए हैं और अपने अधिकारों की रक्षा व भूमि अधिग्रहण अधिनियम की अनुपालना के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 2 दिन पहले ही एक उच्च स्तरीय बैठक जो है हिमाचल शिमला में हुई थी, जिसमें गोविंद जी ने अध्यक्षता की थी और जिसमें जितने भी हमारे फोर लेन से, नेशनल हाईवे से, TCP से या 5 मीटर से जितने भी प्रभावित विस्थापित लोग थे, उन सब के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। शुरुआत तो हमने ये रखा था कि आज रोष रैली होगी, अनशन होगा, लेकिन इस सकारात्मक रवैये को देखते हुए, अच्छी मंशा को देखते हुए हम जो है ये अनशन जो है आज नहीं कर रहे हैं। हमने इसको डिमांड रैली में परिवर्तित किया है और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये पर्सनली विश्वास दिलाया है कि इसमें जो है जल्दी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जिसमें जितने भी ये मुश्किल मामले हैं और अगले 10-15 दिनों में उनके सामने रखे जाएंगे, कैबिनेट में लाए जाएंगे और इनका जो भी संभव हल होगा वो किया जाएगा।